बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को लेकर आ रहा हूँ सनलाइफ इन्वर्टर में सबसे बेहतरीन और सबसे सस्ता तरीन इन्वर्टर्स, जो 4.2 किलोवाट और 6.2 किलोवाट में आप लोगों को आसानी से मिलेगा। ये इस मॉडल का इन्वर्टर है, ऑन ग्रिड भी है, हाइब्रिड भी है। अगर आप लोग इस तरह का इन्वर्टर बैटरी के साथ लगाना चाहते हैं या बैटरी के बगैर लगाना चाहते हैं, तो ये इन्वर्टर आप लोगों के लिए परफेक्ट कारगर्दगी प्रोवाइड करेगा। सनलाइफ इन्वर्टर्स में आप लोगों को बहुत से इन्वर्टर्स मिलेंगे, मतलब SL मॉडल, सन प्रो मॉडल, स्काई मॉडल, स्काई अल्ट्रा 2024 मॉडल। तो जितने भी इन्वर्टर्स होते हैं सनलाइफ में, ये बैटरी के साथ भी काम करते हैं, बैटरी के बगैर भी काम करते हैं। आप लोगों ने अगर 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना हो, 1.5 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना हो, इसके साथ 4.2 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना हो, 6.2 किलोवाट, 8 किलोवाट, 11 किलोवाट, आप लोगों ने बहुत से इन्वर्टर्स देखे होंगे। IP65 में अगर आप लोगों ने मैट्रिक्स सीरीज देखा हो फ्रॉनस का, इसके साथ इन्वरिक्स का नाइट्रोक्स सीरीज देखा हो, मिक्स पावर देखा हो, सोलर मिक्स देखा हो, बहुत से इन्वर्टर आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन वाहिद सनलाइफ इन्वर्टर है IP65 में, जो बैटरी के साथ भी काम करता है और बैटरी के बगैर भी आप लोग उसको चला सकते हो। तो इस तरह बात की जाए SL मॉडल इन्वर्टर की, तो SL मॉडल में आप लोगों को 4.2 किलोवाट और 6.2 किलोवाट इन्वर्टर्स आप लोगों को मिलेंगे। ये ऑन ग्रिड भी है, हाइब्रिड भी है, बैटरी के साथ भी आप लोग लगा सकते हैं और बैटरी के बगैर भी आप लोग लगा सकते हैं। 4.2 किलोवाट इन्वर्टर पीवी की बात की जाए, तो 4.2 किलोवाट के साथ आप लोग 5200 वाट के सोलर पैनल आसानी से अटैच कर सकते हैं। यानी पैनल की बात की जाए तो 500 से लेकर 580 वाट के 10 सोलर पैनल आप लोग इसके साथ बहुत आसानी से अटैच कर सकते हैं। इस तरह 6.2 किलोवाट इन्वर्टर की बात की जाए, तो ये पीवी 7200 सपोर्टेड है, यानी आप लोग इसके साथ आसानी से 7200 वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं, यानी 14 सोलर पैनल आप लोग इसके साथ आसानी से अटैच कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अपने घर में नेट मीटरिंग करना हो, तो 4.2 किलोवाट भी आप लोगों के लिए बेस्ट है और 6.2 किलोवाट भी आप लोगों के लिए बेस्ट है। इसके साथ इसकी स्पेसिफिकेशन की बात की जाए, तो कम से कम आप लोगों ने इन दोनों इन्वर्टर्स को 90 वोल्ट लेक देना है, मतलब अगर आप लोगों के पास 200 पैनल हो 550 वाट के, तो ये इन्वर्टर स्टार्ट होता है, आप लोगों को आउटपुट प्रोवाइड नहीं करेगा लेकिन इन्वर्टर ऑन रहेगा। इसके साथ अगर आप लोगों के घर में नॉर्मल लोड हो, तो 4 पैनल के ऊपर आसानी से आप लोग ये इन्वर्टर लगा सकते हैं। इन दोनों इन्वर्टर्स की प्राइस की बात की जाए, तो 4.2 किलोवाट इन्वर्टर आप लोगों को मिलेगा 1,22,000, इसके साथ 6.2 किलोवाट का इन्वर्टर आप लोगों को मिलेगा 1,42,000। रेट होलसेल का है, कंपनी की तरफ से और जो रेट मिलता है वही रेट पर हम आप लोगों को ये इन्वर्टर्स प्रोवाइड करेंगे। तो जिस किसी को भी चाहिए, आप लोग हमसे बराह रास्त रब्ता करके इंशाल्लाह हम आप लोगों को सनलाइफ में जो भी इन्वर्टर आप लोगों को चाहिए, चाहे SL हो, स्काई हो, अल्ट्रा हो, सन प्रो हो, इंशाल्लाह हम आप लोगों को बहुत आसानी से प्रोवाइड करेंगे। तो ये थी अच्छी मालूमाती वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।